हार्ड कोर टेररिज्म है। इवन हार्ड कोर टेररिज्म को रोकने के लिए भी आपके माशरे के तबकात को एक्टिव होना पड़ता है कि यहाँ कोई सुसाइड बॉम्बर तो नहीं है, घर किराए पर कैसे देना है, वो पुरानी सारी बातें जो हैं वो एक दफ़ा लोगों को रिवाइज करवानी चाहिए कि एक साल में मतलब जनवरी टू दिसंबर में पाकिस्तान के अंदर में वो 700 से ज़्यादा टेररिस्ट अटैक जो मिलिटेंट अटैक हैं वो हो चुके हैं। गैस हो, आटा हो या पेट्रोल हो, आवाम की सिसकियाँ सभी सुन सकते हैं इस वक्त। मुल्क में जो लोग थे बहुत गरीब हो गए, इसलिए कि उनके ऊपर लगान बहुत हैवी था जी, लगान देने ही नहीं है जी। तो बादशाह तक जब ये बात पहुंची तो उसने कहा कि इस ऐसा करें कि सुबह से शाम तक अवाम को एक लाइन में लगा के 10-10 चित्र मारे जाए। प्रोसेस शुरू हो गया, बादशाह का हुक्म था, आपको पता है। हुकूमत ने बराह रास्त अवाम के ऊपर ही बिजली गिरा दी है। अयाशी करने वाली अशराफिया ने जो गरीब है उससे तो जीने का हक भी छीन लिया है। लिटरली क्यामत ढा दी गई है कि ये क्यामत है कि पहले ही लोगों की चीखें निकल चुकी हुई हैं। राउंड ऑफ प्रोटेस्ट्स दैट हैव टेकन प्लेस launched to put pressure on the Pakistani government. The rallies of the number of people have come out onto the streets. They're demanding basic health and education infrastructure. ke baad agar log sadkon pe na aaye aur koi ehtijaj na kare to phir kya kare? Balochistan, Punjab, Sindh wale log already bol rahe hain unhe Sindhu desh chahiye, wo apni ladai alag se lad rahe hain. Jo Khyber Pakhtunkhwa wale log hain wo अफगानिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं। अब रह गया सिर्फ पीओके, पीओके तो हम ले जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज पाकिस्तान की हालत इतनी बदतर हो गई है कि अब वहाँ की आवाम भी अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट और अपने फौज से परेशान हो गई है। जिन लोगों की सैलरी 35,000 के करीब है उनका 15,000 का सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है। एक तरफ महंगाई और दूसरी तरफ पाकिस्तान में आतंकी हमले। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक साल में पाकिस्तान में लगभग 700 से ज्यादा आतंकी हमले हो गए हैं। जिन आतंकवादियों को पाकिस्तान ने भारत के लिए बनाया था वो आज खुद पाकिस्तान के अंदर फूट रहे हैं। इन्हीं सबको देखते हुए अब पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में अब अपना एक नया देश बनाने की मांग उठने लगी है। बलूचिस्तान के लोग अपने आर्मी के खिलाफ सड़कों पर आ गए हैं। हालत इतनी खराब हो गई है कि अब पाक फौज उनके सामने झुकती दिख रही है। केपीके जो पाकिस्तान का एक प्रोविंस है अब वहाँ भी पाकिस्तानी फौज के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया है। केपीके वाले भी मांग कर रहे हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है, हमें अफगानिस्तान के साथ मिलना है। पीओके में लोग पहले से ही परेशान है और वो पाकिस्तान का हिस्सा बनकर नहीं रहना चाहते। पाकिस्तान की हालत देखकर लगता है कि अगले 5 से 10 सालों में पाकिस्तान के 5 टुकड़े हो जाएंगे। तो कई बार ये क्वेश्चन आता है कि पाकिस्तान टूटने की कगार के ऊपर है और भारत को अब वो करना चाहिए जो हम 75 साल 77 साल में नहीं कर सके, वो है पीओके गिलगित बल्तिस्तान के एरिया को ले जाना, या दूसरा काम है कि पाकिस्तान के टुकड़े करना। क्योंकि हमें मालूम है कि पाकिस्तान ने हमेशा ही भारत को हजारों घाव देने की या हजारों घाव की मौत देने की बात बोलता था और उसने ये नफरत से अपने कंट्री का बुरा हाल कर लिया। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिकली, सोशली, डिप्लोमेटिकली हर मोर्चे के ऊपर उसके पास इतनी बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं जिसका सामना वो नहीं कर सकता। ये सारे संकट की ये आहट सुनाते हैं हमें और पाकिस्तान खुद ही तेजी से बिखरता हुआ दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि जैसे वो टूटने वाला है, कभी भी टूट के बिखर जाएगा, हमें कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वो अपने ही बोझ के नीचे वो टूटने वाला है। और जो चाइना जैसी ताकतें हैं वो भी चाहती हैं कि पाकिस्तान को यूज किया जाए, इसे और तोड़ा जाए। क्या हमें ये जो आग लगी है पाकिस्तान के अंदर उसके अंदर घी डालने की? लिटरली इनकी क्या हालत है, हर रोज तालिबान के लोग आ आकर वहां पर इनके आर्मी के लोगों को मारते जा रहे हैं और कंट्री के अंदर जो आर्मी है उसके खिलाफ एक विद्रोह की सिचुएशन आ चुकी है। पीओके के अंदर ऑलरेडी भारत के साथ मिलने की बातें उठ रही हैं। जो इनका बलूचिस्तान है वो अलग होने की बात करता है। हर जगह पर ऐसा है कि बस पाकिस्तान से जिंदा कैसे हम भाग सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। मैं डेमोक्रेटिक कंट्री बोल रहा हूँ, वैसे होना चाहिए सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक कंट्री है। उसके अंदर जो हालात हैं इतने ज्यादा बिगड़ चुके हैं कि अशांति ही अशांति है सब जगह पर। हर जगह पर हिंसा हो रही है, हर जगह पर बॉम्ब फट रहे हैं, उग्रवाद बढ़ता जा रहा है, जो बॉर्डर एरियाज हैं उसके ऊपर लगातार संघर्ष बढ़ता जा रहा है, आतंकवादियों ने नाक में दम किया हुआ है और इसका मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर विस्फोटक स्थिति ऑलरेडी क्रिएटेड है।
ऊपर से इकोनॉमिक मंदी है, भारी कर्ज उसके चुकाना है जो चुका नहीं सकता, जो उसका फॉरेन रिजर्व है वो घटता जा रहा है, आसमान को छूती हुई महंगाई है वहां पर, रुपए की जो वैल्यू है रोज कितने और नीचे गिर जाएगी उन्हें खुद को नहीं पता, यानी कि रुपए को खुद नहीं पता कि कल को मेरी कीमत क्या होगी, भ्रष्टाचार चरम सीमा के ऊपर है, बिजली है नहीं, पानी है नहीं, खाने को लाले हैं, दूध 200 रुपए लीटर है और आटा भी 200 रुपए किलो से ज्यादा हो चुका है। मुझे लगता है अफ्रीकन कंट्रीज पाकिस्तान से ज्यादा अच्छी होंगी आज की डेट में। 77 ईयर्स पहले ये आजाद हुए, या कर लीजिए सेपरेट हुए भारत से, आजाद तो हम हुए थे, ये तो सेपरेट हुए थे, और 34 साल उसमें से जो सेना है उन्होंने इनके ऊपर शासन किया, और जो सेना थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ही काम किया कि जिहादी पैदा किए, जिहादी भारत के नाम पर, कि भारत एक दिन यानी कि हिंदुओं की गवर्नमेंट हमें बर्बाद कर देगी। वैसे तो सही बात है, मोदी जी ही खत्म करेंगे, क्योंकि कांग्रेस ये जो थे वो तो बाबर की औलाद थे। जो पाकिस्तान की सेना है उसने खुद को देश से, जिसको बोलते हैं, एक ऐसा विश्वसनीय अपना एक संस्था बना ली है कि लोगों को लगता है कि भी हमें अगर आजादी दिलाएगा भारत के हिंदुओं से, या भारत से जो कश्मीर है वो पाकिस्तान को दिलाएगा, वो आर्मी दिलाएगी, उसके कारण ये जो डर है काफिर पड़ोसी इसको हराने के लिए, जो वहां पर एक जिहादी माइंडसेट है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। इन्होंने बांग्लादेश ले लिया, बांग्लादेश को अलग करवा दिया, उसके बाद जो भारत ने बांग्लादेश को अलग करवाया था उसके कारण इन्होंने एक ऐसा मायावी सपना दिखाया है पाकिस्तानियों को कि अब हम भारत के वैसे ही टुकड़े करेंगे, हजारों टुकड़े करेंगे, जैसे इन्होंने हमारे दो टुकड़े करे हैं। इन्होंने पाकिस्तान ने ऑलरेडी पंजाबियों को पीओके के अंदर बसा दिया है, कश्मीरियों को तो खत्म कर दिया इन्होंने कि आप तो हमारे है ही नहीं, आप तो फॉरेन लैंड से आए हैं। वही काम इन्होंने जो पख्तून वाले एरिया से उनके साथ भी किया है, बलोचियों के साथ किया है, यानी कि अपने कंट्री में पंजाबियों के सिवाय किसी को भी ये रहने नहीं देना चाहते, सब जगह पे इन्होंने अपने लोगों को बिठा दिया है और उन्हें कट्टर बना भी दिया है मदरसों में पढ़ा पढ़ा कर। अगर हम पीओ के ले लेते हैं क्या होगा, वो सारा गंध जो इनके कंट्री का है वो भी हमारी तरफ आएगा, उसे संभालना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसीलिए अभी ये टाइम नहीं है आग के अंदर घी डालने का। एक काम और भी है जो आपको समझना चाहिए कि अगर सपोजिंग पाकिस्तान के 5 टुकड़े हो जाते हैं, 5 इसलिए बोल रहा हूं कि इनका बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध वाले लोग ऑलरेडी बोल रहे हैं उन्हें सिंधु देश चाहिए, वो अपनी लड़ाई अलग से लड़ रहे हैं, जो खैबर पख्तूना वाले लोग हैं वो अफगानिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, अब रह गया सिर्फ पीओके, पीओके तो हम ले जाएंगे। हाँ, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का तर्क कैसे छलका, कैसे वो घबरा गए, क्यों, किससे, क्योंकि एक तरफ देखिए उनका अजमे इस्तेकाम चल रहा है और उसमें अभी तक हमें कुछ दिखा नहीं। अजमे इस्तेकाम स्टार्ट करने से पहले वो माहौल बना रहे हैं, पिछले 40 साल से पाकिस्तान भारत में टेररिज्म भेज रहा है, लेकिन एक दिन इन्होंने कंडेम नहीं किया, इन्होंने हर बार बोला कि वो तो कश्मीरी इसका इंडिजिनस है जी, वो तो कश्मीरी इसका अपना है, कश्मीरी अपनी आप की लड़ाई लड़ रहे हैं, और अब हम बोले बलूचिस्तान अपनी लड़ाई लड़ रहे, तो अब हम बोले खैबर पख्तूनख्वा अपनी लड़ाई लड़ रहे, तो ये पाकिस्तान को अच्छी तरह से पता है कि वो फंस चुका है। लेकिन फिर भी ठीक है, उसके बाद एक और पॉइंट जो उन्होंने बोला सुन के हर मतलब हर आदमी के जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है उसको खुशी जरूर होनी चाहिए, लेकिन ये तो घड़ियाल के आंसू बहा रहे थे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर। आपको इसके बारे में क्या कहना है आप नीचे कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।